आज हम बनाएंगे व्रत में खाने वाले पकोड़े। ये कांगड़े के आटे के होते हैं और इसे राजगिरे का आटा भी कहते हैं। यह हमने लिया राजगिरे का आटा। अब उसमें हम डालेंगे आधी चम्मच जीरा, एक चम्मच मिर्ची, एक चम्मच नमक डालेंगे और सूखा हम धनिया डालेंगे एक चम्मच। जो भी आप व्रत में मसाला खाए वो आप यहाँ डालें। यह हमने हरा धनिया डाला है। उसके बाद हमने जो बारीक आलू काट रखे हैं, एक आलू हमने काटा है उसको डाला है और यहाँ मूंगफली के दाने हमने डाले हैं और यहाँ पे हमने मिर्ची डाली है। आप अपना मसाला स्वाद अनुसार डालें, जो व्रत में खा रहे हैं वो मसाला आप इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद हमें पानी डालना है और पानी डालने के बाद हम इसका पकोड़े के जैसा घोल तैयार करना है। इसका ज़्यादा पतला घोल तैयार नहीं करेंगे, ये थोड़ा गाढ़ा ही घोल रहता है। अब हमने उधर गैस पे तेल रख रखा है जिसकी आँच हम मीडियम आँच पे हम छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे। आप चम्मच से डालें और छोटे छोटे पकोड़े आप हाथ से भी डाल सकते हैं और इनको धीरे धीरे चलाते हुए हम पलटेंगे। वो जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते, अच्छे से भून नहीं जाते, इनका कलर चेंज हो जाता है जब तक हम इसको तलेंगे। उसके बाद हम इसको हम निकालेंगे एक थाली में। उसमें हमने पेपर रख रखा है जिससे कि हमारे पकोड़े का तेल पेपर में निकल जाए। इस प्रकार हम सभी पकोड़े बना लेंगे। मेरे ये पकोड़े आपको व्रत के कैसे लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।